इतने साल से आप दलित महिला को प्रताड़ित किए जा रहे हैं, खोलिए वरना पूरा पेट्रोल डाल के जला लेंगे दलित महिला, खोलो वरना गाड़ी की तरफ। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर धरने पर बैठी है। इनका आरोप है कि विभाग इनके साथ दलित होने के कारण दुर्व्यवहार कर रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो भारी संख्या में कुलपति आवास का घेराव करेंगे। आज धरने में महिलाओं और छात्रों का भी उन्हें समर्थन मिला। पत्रकारिता एवं संप्रेषण विभाग की महिला एसोसिएट प्रोफेसर शोभना निर्लिकर ने आज पत्रकारिता विभाग से केंद्रीय कार्यकाल तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला। जैसे ही महिला प्रोफेसर मार्च लेकर केंद्रीय कार्यालय पहुंची, वहीं मेन गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। काफी विवाद के बाद सुरक्षा कर्मियों ने गेट खोला, तब महिला प्रोफेसर अपने समर्थकों के साथ अंदर जाकर धरने पर बैठ गयी। महिला प्रोफेसर ने बताया कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे और भारी संख्या में कुलपति आवास पर जाकर धरने पर बैठ जाएगी। महिला प्रोफेसर ने बताया कि दलित होने के नाते ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आज महिला प्रोफेसर के साथ BHU के छात्र और कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिला। रेलवे के बगिया का एक फूल हूँ मैं, पिछले दो दिन से मैं लगातार धरने पे हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है, लेकिन BHU प्रशासन इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। पिछले 19 साल से मैं गुहार लगा रही हूँ। मेरी पहली गुहार ये है कि मेरा 2002 को ज्वाइन किया विभाग में, जो है मैं PhD उपाधि पास करके हूँ, 2000 में अवार्डेड हूँ PhD, लेकिन मुझे PhD का जो है केवल कागज़ पे गाइड बनाया गया है, लेकिन छात्र अभी तक आवंटित नहीं किए गए हैं। ये मेरा जातिगत उत्पीड़न है। दूसरा, इन्होंने उत्पीड़न करके दिखाया है, मुझे किसी भी कमेटी में आज तक नहीं रखा गया, जबकि मैं सीनियर हूँ, ज्वाइनिंग में भी सीनियर हूँ और एक्सपीरियंस भी सीनियर है, और मेरा 19 साल की नौकरी भी है। तीसरी बात यह है कि मैं चाइल्ड केयर लू लिया है मैंने, उसको मैंने एक साल लिया, बाद में मैंने उसको कैंसिल करवाया। इन लोगों ने उसको कागज़ पे कैंसिल करके मुझे एक चिट्ठी दे दी, लेकिन उन्होंने जो है फिर उसको जो है LWP कर दिया, उस पर वो संज्ञान में लेने को तैयार ही नहीं, वहाँ LWP लगा दिया। तीसरा जो है, मैं सर्विस में होने के बाद भी वहाँ पर जो है एक वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो है वहाँ पर भी LWP माने लीव विदाउट पे। एक तरफ BHU कह रहा है कि आप लीव विदाउट पे है, दूसरी तरफ मुझे BHU पूरी सैलरी भी दे रहा है, तीसरी तरफ BHU मेरा पूरा वेरिफिकेशन भी विभाग से कर रहा है। माने किस तरह से गंदी चाल जो है प्रशासन मेरे साथ खेल रहा है ताकि मेरी सीनियरिटी बाधित हो। तीन बार मेरा ड्यू आया वाई चांस, मैंने VC को भी बहुत बार लिखा है, 19 साल से मैं केवल लिखने का ही काम कर रही हूँ। मैंने माननीय कुलपति को जो है अभी तक जो है 50 से ऊपर ये प्रोफेसर भटनागर सर को मैंने निवेदन दिए है कि मेरा जो है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है गलत तरीके से जोड़ा गया है। मैं जो है ड्यूटी में होने के बाद भी मुझे LWP किया गया, चाइल्ड केयर लीव जो होती है बाल संगोपन वो भी कैंसिल करने के बाद उसको भी अभी तक उन्होंने कैंसिलेशन में सिर्फ चिट्ठी दी है लेकिन जोड़ा नहीं गया है। किसी न किसी हथकंडे को अपना कर जो है BHU प्रशासन, कभी रजिस्ट्रार कहते हैं कि VC के पास जाओ, VC के पास गए तो VC कहते हैं रजिस्ट्रार के पास जाओ, इस तरह से जो है दलित महिलाओं को जो है फुटबॉल की तरफ से जो है लात मारी जाती है। पिछले 19 साल से जो है मैं प्रशासन से गुहार लग के थक गई, इसलिए मैं पिछले दो दिन और आज का तीसरा दिन धरने पे बैठी हूँ कि ताकि जो है ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये धरने में जो है सब दलित जाति की महिलाओं ने मेरा समर्थन किया है। आपको बताने में मुझे हर्ष और उल्लास है कि हर अलग अलग जगह से पूरे बनारस से दलित महिलाएं जुड़ी है, हर ऐसा ही नहीं कि इसमें दलित है, इसमें बहुत सारी जो है ब्राह्मण महिला भी मेरे साथ मेरे कंधों के कंधा लगा के बैठी है, उनका भी देखिए ये मनोवादी लोगों के अंदर जो है स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा फिर से कुलपति से निवेदन है, आपके माध्यम से अभी मैं आप ही के माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ, अगर मुझे वो न्याय प्रदान नहीं करेंगे तो इससे बड़ा लाक्षणिक रूप से जो है धरना दिया जाएगा और सभी संगठन, सभी पक्ष, सभी भाजप छोड़कर सभी पक्ष मेरे संगठन को समर्थन देने के लिए तैयार है और कुलपति आवास को इसके सामने घेरा जाएगा अगर आज मेरी बात सुनी नहीं गई तो। मेरा नाम अनुराधा यादव, मैं कांग्रेस से महिला जिलाध्यक्ष। मैम कहाँ पे और किस प्रकार से आप समर्थन करने आई हैं?
हम लोग पूरी मेरी महिला टीम जो है महिलाओं के साथ में आज इनके साथ विश्वनाथ मंदिर से मार्च निकालते हुए आज हम लोग यहाँ सेंट्रल ऑफिस पहुँचे हैं और यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाओं के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं और कोशिश यही है कि आज यहाँ पर ज्ञापन दे करके उन्हें आगे के न्याय के लिए प्रक्रिया को पूरा किया जाए और उम्मीद है कि अब प्रशासन सुने और उन्हें न्याय दे जो इतने सालों तक उन्होंने जो संघर्ष और मांग की है उस मांग को पूरा किया जाए। 19 साल से आप दलित महिला को प्रताड़ित किए जा रहे हैं। खोलिए। ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ मुंबई। दलित महिला खोलो वरना गाड़ी की तरफ।